हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सैमसंग के जो फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, यूएसबी कनेक्टर कनेक्ट होता है, ऑटो डिसकनेक्ट होता है, वो कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपने काफ़ी वीडियो देखी होगी, उसमें बताते हैं, सिर्फ दिखाते नहीं है। इसमें देखो मेरे साथ प्रॉब्लम ये आई रही है, इसके अंदर देखो यूएसबी कनेक्टर डिसकनेक्टेड और कनेक्ट होता, ऑटो कनेक्ट होगा, ऑटो डिसकनेक्ट होगा, ये प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, ठीक है, डिसकनेक्टेड हो चुका है, अब ये देखिए कनेक्टेड हो चुका है, देख पा रहे हो आप। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इस फ़ोन के अंदर। फ़ोन का मॉडल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोल नहीं है, ठीक है। ये M02 है वैसे तो, पर आपके किसी भी सैमसंग के फ़ोन में हो सकती है ऐसी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पैसे से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, अबाउट फ़ोन में जाना है। ठीक है, अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, बिल्ड नंबर पे हमें 6-7 टाइम्स आपको टाइप करते रहना है। ये देखिए, ये आ रहा, डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है यहाँ से हमें। ठीक है, यहाँ से देखिए, डेवलपर मोड हैज़ बिन एनेबल, हमारा जो है डेवलपर मोड एनेबल हो चुका है। ठीक है, ये देखिए हमारा अब भी आ ही रहा है। तो हमें क्या करना है वहाँ से, अभी ये देखिए अबाउट फ़ोन के नीचे पहले कोई ऑप्शन नहीं था, अब देखो डेवलपर ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यूएसबी डबिंग हमारा देखो ऑफ है, इसे ऑफ ही रहने देंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है, ये देखिए आराम से, ठीक है, आपके सामने लाइव है। ये देखिए, ये देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है, अब भी कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहा है। तो अब हमें थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ये देखिए दोस्तों डिफ़ॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, चार्जिंग ओनली फ़ोन पे करना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पे बैक कर देना है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ये चार्जिंग फ़ोन ओनली पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमें बैक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हमें एक बार क्या करना है, फ़ोन को रिस्टार्ट करके करना है। ठीक है, फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करके देखना है। ठीक है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट यूएसबी, यहाँ पे चार्जिंग फ़ोन ऑनली पे क्लिक करके, अब देखो अब भी ऑप्शन आ रहा है हमारे में, ये देखो अब भी ऑप्शन आ रहा है। तो हमें एक बार फ़ोन को रिस्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करके देखते हैं। देखो फ़ोन दोस्तों हमारा रिस्टार्ट हो चुका है, अब तो ये प्रॉब्लम आ नहीं रही है। ठीक है, पर ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाए, रिस्टार्ट करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। फ़िलहाल तो आ नहीं रही है, अगर फिर भी आती है तो आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल आ नहीं रही है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। ठीक है, अभी 319 हो रहे हैं, 320 हो रहे हैं, थोड़ा सा वेट करके देखते हैं 1-2 मिनट, अगर आती है तो मैं आपको नेक्स्ट सोल्यूशन बताऊँगा आपको। ठीक है, देखो दोस्तों प्रॉब्लम तो अभी फिलहाल सॉल्व है, एक बार हम चार्जर पे चार्जिंग पे भी लगा के देखते हैं, क्योंकि बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है चार्जिंग की वजह से भी आ जाती है। तो चार्जिंग पे लगा के देख लेते हैं, लैपटॉप वगैरह से हम कनेक्ट करते हैं तब भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अभी एक बार हम चार्जिंग पे कनेक्ट करके देखते हैं। चार्जिंग केबल आ रहा है ओनली, ठीक है, इसे रिमूव करते हैं एक बार। ठीक है, रिमूव किया, फिलहाल तो दोस्तों हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम आती है, आपके फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आपको करना क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप। जैसे फिर भी अगर बाई चांस आती है प्रॉब्लम, तो आपका जो है चार्जिंग पोर्ट आपको क्लीन करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका चार्जिंग पोर्ट क्लीन कर लेना, इसमें डस्ट वगैरह आने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, ये देखिए। ठीक है,
ठीक है। मैंने फ़ोन खोल रखा था ये देखिए, क्योंकि मैं इसमें कनेक्टर ये नीचे का जो पोर्ट रिमूव कर दे रहा था तो यूएसबी का जो है ऑप्शन नहीं आ रहा था कनेक्ट डिसकनेक्ट का। तो फिलहाल तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगर फिर भी आया तो आपको यार ये क्या नाम है पोर्ट चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको पोर्ट ये क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, लंबी होगी तो माफ़ करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।